हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही गेट एग्जामिनेशन 2024 सोशियोलॉजी ठीक है तो क्वेश्चंस देख रहे हैं विद सॉल्यूशन जो आपका पेपर हो चुका है उसके इम्पोर्टेंट जो आंसर कीज है वो भी आ चुकी हैं तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि आंसर जो आपने दिए वो सही है कि नहीं चलिए फटाफट से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो सोशियोलॉजी का था ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन था आपके पास According to Thomas Kuhn, activities of normal science are like puzzle solving, since they seek to reach dash that includes solving instrumental, conceptual uh, conceptual and methodological problem within the confines of certain rules. ठीक है। बाकी नीचे ऑप्शन दिए हैं। A new conclusion in existing ways, existing conclusion in new ways, new publishers या new junior research.

ूशन ठीक है ये इंपॉर्टेंट बुक है इसमें वो क्या मेंशन कर रहे हैं इसमें वो मैंशन कर रहे हैं कि भाई एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट है नॉर्मल साइंस नॉर्मल साइंस और साइंटिफिक एंड साइंटिफिक रेवल्यूशन इन दोनों के बीच में कनेक्शन है क्या कनेक्शन है उनका कहना है कि जो न्यू कंक्लूजन आते हैं ना ठीक है न, जो न्यू आप कंक्लूड करते हैं कुछ भी अगर हम लोग ऐसा कोई भी साइंटिफिक uh, हो कंक्लूजन है, है वो एम्प्लाइज करते हैं मतलब वो बताते हैं किसके बारे में कि नॉर्मल साइंस जो होता है उसका एम क्या है तो उसका एम होता है नॉर्मल साइंस का जनरेट करना क्या जेनरेट करना जेनरेट करना न्यू इनसाइट ठीक है न्यू इनसाइट और ये तभी पॉसिबल है अगर न्यू कंक्लूजन जो है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो एग्जिस्टिंग होगा उसका तो कंक्लूजन बहुत सारी वेज में यूज नहीं हो सकता बट जो न्यू कंक्लूजन आया होगा उससे हम बहुत सारे न्यू इंसाइट जेनरेट कर सकते हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट था थॉमस कोन का अब बैक टू क्वेश्चन अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं अब मुझे लगता है आप लोग खुद अपने आप आंसर समझ गए होंगे क्या होगा ठीक है अगर मैं कहूं एग्जिस्टिंग कंक्लूजन है न्यू तो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं और बहुत जगह पर आप उसको यूज कर पाएंगे तो ये तो नहीं हो सकता ठीक है क्या न्यू पब्लिशर्स चाहिए इस वजह से पजल सॉल्व किए जा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा पब्लिशर्स का क्या इससे कनेक्शन है न्यू जूनियर रिसर्चर्स न्यू जूनियर रिसर्च जो है वो एक्टिविटीज तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि साइंस का जो पजल है सीक टू रीच क्या न्यू जूनियर रिसर्च तक तो ऐसा भी नहीं है तो ऑप्शन क्या बसता है ऑप्शन राइट right बसता है न्यू कंक्लूजन इन एग्जिस्टिंग वे दिस इज योर आंसर ठीक है चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आई होप क्लियर हो गया होगा या अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है कभी कभी जल्दबाजी में ना चलो वी आर कॉन्स डूंगउट रियलाइजिंग अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये ध्यान से करने वाला है सोशोलॉजी सब्जेक्ट क्या है जो भी बिहेवियर्स देखना होता है चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो या फिर uh, जो भी नोशन है सो वी आर दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट वी सोशली कंस्ट्रक्ट अवर बिहेवियर्स टू परफॉर्म अवर जेंडर रूल आपका जो भी जेंडर रूल है जेंडर सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि वट इज अवर बॉडी ओनली ठीक है जेंडर मीन्स हाउ यू बिहेव वेन यू बिहेव वेन यू डूइंग सम एज पर योर जेंडर तो दैट रिफ्लेक्ट्स ठीक है ना तो बायोलॉजिकल सिर्फ बायोलॉजिकल से पता चलता है कि हम लेडीज हैं या जेंट्स है नहीं ये सिर्फ एक आइडेंटिटी है जेंडर परफॉर्मेंस इज अबाउट इंडिविजुअल डिटर्मिनिज्म क्या जेंडर परफॉर्मेंस एक इंडिविजुअल की डिटर्मिनिज्म है तो बताइए सही क्या लग रहा है आपको देखो सिंपल सी बात पूछी गई है कि क्या आप कॉन्सली डूइंग जेंडर विदाउट रियलाइजिंग इट आप क्या ऐसा कुछ आ, मतलब अपना बिहेव कर पा रहे हैं सोशली कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं जिसमें यह पता चलेगा कि वट इज योर जेंडर तो अगर हम इसमें ऑप्शन में देखें तो हमें ये सही आंसर लग रहा है क्यों क्योंकि वी वी कंस्ट्रक्ट बिहेवियर्स टू परफॉर्म जेंडर राइट सो बाकी का ये जो बायोलॉजिकल सेक्स वाला है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता जेंडर इज नॉट परफॉर्मेंस ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता जेंडर परफॉर्मेंस इज अबाउट इंडिविजुअल डेटर आजकल तो ये पॉसिबल तो हो रहा है सारे में, लेकिन दिस इज नॉट राइट और दिस इज नॉट अजिंग हम लोग जेंडर को इस तरह से जज कर सकते हैं बट हाँ सोशली कंस्ट्रक्ट अव बेहेवियर टू परफॉर्म अवर जेंडर रूल तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ओके क्लियर एवरी वन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सो लेट्स मूव ऑनस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज है? तो अब देखो यहां पर क्या बात हो, रही है? की बात हो रही है तो ये पॉइंट हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना होगा विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिल्कुल अंडरलाइन कर लिया करो मतलब ऐसा कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो उसको एकदम अंडरलाइन कर लिया करो नॉट करेक्ट हमें बताना है अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने ये बहुत पहले किया है स्टैट से रिलेटेड है तो इसमें ऑप्शन फटाफट डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें से रॉन्ग कौन सा है है ठीक सो मोस्ट ऑफ द डाटा इज क्लस्टर्ड नियर मीन तो ज्यादातर जो डाटा होता है वो मीन के नियर में क्लस्टर्ड हो जाता है यानी कि वो सेंटर में आ जाता है तो क्या ऐसा पॉसिबल है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेंसर हो जाता है सेंटर के आसपास में तो चलो हो सकता है ये ठीक लग रहा है अच्छा ऑफ ऑफ द केसेस फॉल फॉल अंडर अंडर प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या ये पॉसिबल है यहाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो परसेंटेज थोड़ा और था ठीक है वैल्यू ऑफ मीन मीडिया एंड मोड शेल बी सेम इज इट सेम यस बिल्कुल ये तो सेम है ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल इन नेचर अब देखो सिमेट्री में क्या होता है

ऑफ डिपेंडेंट यूजिंग तो ये हमेशा होता है कि अगर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल्स में कुछ इफेक्ट करना है चेंज करना है देखना है तो इंडिपेंडेंट में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट में भी फर्क पड़ जाता है ऐसे ही होता है ना हम आईवी और डीवी uh, को इसी, इसी तरीके इसी से पढ़ते आए हैं शॉर्टकट में अब बात आती है ऑप्शन ए की

नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ बात हो रही है रे की तो बहुत इम्पोर्टेंट इनकी बुक है तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू रेल्डिंग एंड वर्क प्लेस विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम फॉर सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी एंड सिविल एंगेजमेंट तो ऑप्शन है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब जो आजकल आपका फेवरेट हो गया है डिस्ट्रिक्ट चलो फटाफट से इसके आंसर चेक कर लेते हैं तो इसका आंसर देखने से पहले आपको इसको याद होना चाहिए इसकी बुक का नाम क्या है तो बुक का नाम है द ग्रेट गुड प्लेस गुड प्लेस ठीक है क्या लिखते हैं उसमें उसमें ये दो प्लेसेस के बारे में लिखते हैं एक तो वो लिखते हैं जो फर्स्ट प्लेस है ठीक है फर्स्ट प्लेस है और दूसरा वो लिखते हैं जो सेकंड प्लेस है, ठीक है सेकंड प्लेस है तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था थर्ड प्लेस का ठीक है थर्ड प्लेस का एक्चुअली वो क्या लिखते हैं? वो सोशल सेटिंग्स के बारे में लिखते हैं कि जब कोई इंसान अपने घर से दूर कहीं पर है कहीं सिविल सोसाइटी में मतलब फोस्टर वाला जो लाइफ होता है वहां पर है तो वो अपने आप को कैसे सराउंडिंग में फील करता है तो दैट इज थर्ड प्लेस ठीक है अगर आपको ये याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर भी निकल आएगा कि आंसर क्या होगा आपका थर्ड प्लेस वुड बी योर आंसर दिस इज इजी अगर आपको राइटर्स याद हैं अगर उनकी बुक्स याद हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं